हर हर महादेव दिव्य ज्योति चैनल के हमारे जो दर्शक हैं उन सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजी मास का जो आपका जनवरी प्रारंभ हो रहा है, नववर्ष जो है उसके लिए मंगल कामना है आप सभी के लिए कि आप जीवन में जो है आपको स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति धन की प्राप्ति है। आप सभी लोगों से सादर अनुरोध है कि मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी मेरा वीडियो बने सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उसका लाभ आपको मिल सके। आज मैं जो है सिंह राशि के जातकों के लिए मैं बतलाऊंगा कि 2023 कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातक हो जाए तैयार, उनको जो है कार्य में सफलता मिलने वाली है। लेकिन एक चीज बता दें, मातृपक्ष से क्या उनको सुख मिलेगा, लेकिन स्त्री से जो हो क्या होगा कष्टकारी उनको होगा। जो 2023 के जो जातक हैं, सिंह राशि के जो जातक हैं, उनको जो है स्त्री से क्या होगा कष्टकारी। मानसिक पूरा जो है वर्ष कैसा रहेगा, मानसिक तनाव में बीतेगा। आपको ये भी बता दें, मानसिक तनाव के साथ अशांति भी रहेगी जो हमारे सिंह राशि के जातक है। आपको ये बतला दें, आपको वाहन का सुख मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, लेकिन साथ साथ जो है परेशानियां भी घेर करके आती रहेंगी जो सिंह राशि के जातक। शनि जो है आपको जो है संवत्सर का जब प्रारंभ होगा, नववर्ष हिंदू संवत्सर का जो प्रारंभ होगा उस समय आपको जो है शनि जो है कुंभ राशि में होगा और पूरे वर्ष कुंभ में ही रहेंगे शनि। और जान लीजिए ये जो है शनि जो है आपको क्या देंगे कष्ट देंगे। शनि जो आपके लिए क्या है कष्टकारी है। राहु की स्थिति बदला दें, राहु केतु की स्थिति आपकी जो है 2023 में क्या रहेगी, संवत्सर पूरा क्या रहेगा, जो सिंह राशि के जातक है उनके लिए मैं बतला रहा हूं कि राहु जो है मेष में और केतु जो है आपके तुला, संवत्सर प्रारंभ में राहु जो है आपके मेष में और केतु तुला राशि में रहेंगे। और ताम्रपद का नौवां राहु जो है आपका वह तीसरा केतु जो है समस्याओं का क्या करेगा समाधान कराएगा, जो आपकी समस्याएं होंगी उसको समाधान कराएगा। वहीं आपको बता दें अक्टूबर में जो स्थिति होगी 11 अक्टूबर से राहु जो है क्या होगा मीन राशि में और केतु जो है आपके जो है कन्या राशि में जाएंगे और संवत्सर तक जो है उसी में रहेंगे। अब बता दें आपको कि आठवां राहु और जो है और दूसरा केतु आपका जो है स्वर्णपात से है स्वास्थ्य में परेशानी और दुर्घटना का योग भी बन रहा है आपका, इससे आपको सजग रहने की जरूरत है। लेकिन केतु क्या करेगा आपको सहयोग करेगा, लाभ भी देगा। आपको ये बता दें कि गुरु के विचार से यदि देखा जाए जो सिंह राशि के जातक उनके लिए गुरु की स्थिति क्या होगी, तो आपको ये बता संवत्सर प्रारंभ में गुरु जो है मीन राशि में है। जब आपका संवत्सर प्रारंभ होगा उस समय गुरु किस में मीन राशि में है और मीन राशि में रहते हुए जो ये क्या करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए क्या होगा कष्टकारी होगा। और कष्ट निवारण के लिए आपको जो है जपदान पूजा और जो है बृहस्पति के लिए जो है गुरु स्त्रोत्र का पाठ और जो है पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा। केले के वृक्ष में पूजा करना ये आपके लिए, विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ये आपके लिए लाभकारी होगा। जो सिंह राशि के जातक है उद्यान गुरु के लिए उनकी स्थिति ये होगी। आपको ये बता दें 22 अप्रैल से गुरु जो है मेष राशि में जाएंगे और ये भी जब बता दें कि संवत्सर के अंत तक जो है इसी में रहेंगे। अप्रैल में आपको जो है स्त्री पक्ष से लाभ हो सकता है, वाहन सुख मिलेगा और समाज में मान सम्मान और धार्मिक मान सम्मान बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। और ये भी बता दें आपको जो है कि जो आपका 2023 में यात्रा का भी योग बन रहा है
और ये भी बता दे आपको जो है कि इस वर्ष में जो है आपको चोरी का भी भय रहेगा, लेकिन व्यापारियों के लिए लाभप्रद होगा, लाभ होने वाला है, मई में लाभ होगा। और जून में जो है पैतृक धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है आपको, जो है जून माह 2023 में पैतृक धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है, ये भी बतला दे। लेकिन जून में चोरी का भी भय रहेगा, साथ में व्यापार में लेकिन लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में पदोन्नत का योग भी बन रहा है। और आपको ये बता दें कि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से आपको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन ये चीज बता दें आपको जो है कि आप जो है अधिकार उच्च अधिकारियों से आपको रकझक रहेगी, नोकझोंक होगी, आपको उससे तनाव की, मानसिक तनाव की स्थिति आपकी जो है बनी रहेगी। सिंह राशि के जातक जो हमारे हैं उनके लिए जो है 2023 में जो है जुलाई माह कैसा रहेगा, तो जुलाई में शारीरिक मानसिक जो आपका स्थिति क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। और जो है आर्थिक हानि की भी संभावना है आपको जुलाई माह 2023 में। इस कारण है क्योंकि जो भी आप सोचें वो सोच समझ करके कार्य को करें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है, क्योंकि आर्थिक हानि की संभावना से परेशानियां हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको जो है बिना विचारे कोई कार्य आपको नहीं करना है। आपको ये भी बता दें कि जुलाई 2023 में आपको वाद विवाद से बचना है, नहीं तो इस वाद विवाद से परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगस्त 2023 में आपके सफलता के योग बन रहे हैं, लिए जो है आपको कठिन परिश्रम लेकिन करना होगा, सफलता मिलने वाली लेकिन कठिन परिश्रम से मिलेगी। अगस्त आपको जो है आपको बता दें अगस्त 2023 में कठिन परिश्रम करना है सफलता के लिए, लेकिन आपको बुरी संगत से आपको बचना होगा, नहीं तो बुरी संगत आपको परेशानियों में डाल सकती है। आपको उस समय नेत्र के रोग से परेशानी हो सकती है। और ये भी बता दें जो विद्यार्थी हमारे हैं उनको विद्या अध्ययन करने के लिए दूर जा करके पढ़ने का योग बन रहा है, शिक्षा ग्रहण करने का योग बन रहा है। और वाणी आपके जो है अच्छे होने से आपको परिश्रम करेंगे उसका लाभ मिलेगा। सितंबर की स्थिति, सितंबर 2023 में क्या स्थिति होगी आपको सफलता जान लीजिए, सफलता कठिन परिश्रम के साथ आपको करना होगा। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। अक्टूबर में आपको जो है धन संपत्ति आपको प्राप्त हो सकता है, आपको योग बन रहा है, लेकिन कान जो है और हाथ से कष्ट हो सकता है, कान में परेशानी आ सकती है, हाथ में आपके जो है परेशानी आ सकती है, ये स्थिति का योग आपका बन रहा है। अक्टूबर की बात कर रहे हैं। अब जो है नवंबर 2023 की बात बतला रहे हैं कि नवंबर 2023 में जो है आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मात्र सुख मिलने वाला है, माता से सुख भी मिल सकता है। और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने का जो है अच्छा योग बन रहा है, सफलता की प्राप्ति बन रहा है। नौकरी पेशा वाले लोगों को भाग्योन्नत का योग बन रहा है, लेकिन आपको पेट से परेशानी, गैस से परेशानियां आ सकती हैं। ये भी जान लीजिए कि गैस से आपको परेशानी हो सकती है। दिसंबर में आपको जो है पेट से परेशानी हो सकती है, दिसंबर 2023 में आपको पेट से गैस से परेशानी हो सकती है। और ये भी स्थिति आपको भाग्योन्नत भी आपका होगा उस समय, उस इधर शारीरिक कष्ट भी होंगे तो उसे भाग्योन्नत का भी योग बन रहा है। अब जो है हम चलते हैं 2024 में जो है जनवरी माह में जो है किस के आपके जो है सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, तो उसमें मानसिक अशांति उस समय होगी, मानसिक अशांति। शत्रु जो है आपको जो है शत्रु जो आपके शत्रु होंगे आपको कष्ट देने के कार्य तो करेंगे, लेकिन आप अपने व्यवहार से, अपने कार्य से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। ये भी बता दें कि फरवरी में जो है 2024 फरवरी में आपकी क्या स्थिति होगी, तो सिंह राशि के जातकों के लिए त्वचा संबंधी एलर्जिकल परेशानी हो सकती है, पारिवारिक उनको सुख मिलेगा। और हृदय रोग से भी आपको संभावना बन रही है कि हृदय रोग भी आपको हो सकता है। इन स्थितियों के साथ आपको जो है ध्यान देने की और स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें,
जिससे आपको परेशानियां नहीं होंगी। और कोई भी कार्य जो है सोच समझ के आपको जो भी निर्णय ले सोच समझ करके ले। तो सिंह राशि के जो जातक हमारे जो है, जो दर्शक हैं, जो दिव्य ज्योति चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए मैं सिंह राशि का जो है संवत्सर पल क्या होगा और 2023 कैसा रहेगा आप लोगों को मैंने बताया। आप लोगों से मैं सादर अनुरोध करता हूं और पुनः जो है आपको जो है अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामना मंगल के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक शेयर करना ना भूलें। इसलिए और घंटी जो जरूर बजाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा मेरी वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, उसका लाभ सबसे पहले आपको मिलेगा। एक बार कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव।